हेलो नेताजी, आप कैसे हो? हाँ, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके आशीर्वाद से गंजा, दारू, ड्रग्स बहुत कुछ अच्छा चल रहा है नेताजी। गांव से लेकर सिटी तक सब हमारा सप्लाई है। गुंडा शिवा रेड्डी से दंगा लेने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ नेताजी, इलेक्शन के पहले मैं पैसा भेज दूंगा। ठीक है नेताजी, आप फोन रखते हो। ए मुन्ना, सबको लेकर इधर आ। धंधा कैसा चल रहा है? बॉस, धंधा तो बढ़िया चल रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अबे चुप, क्या तुम लोगों को प्रॉब्लम के लिए रखा है? बॉस, धंधा का तो एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन ड्रग्स का थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगा। भाई हम लोग क्या करें, हमारे पास कुछ इनकम ही नहीं है। अरे यार, दारू पीने के लिए भी पैसा नहीं है। ना पढ़ाई लिखाई किया, सब बेकार है, एक जॉब भी नहीं मिल रहा है, कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं है। हाँ बात तो तुम लोग सही कह रही हो, लेकिन हमें कुछ ना जरूर करना चाहिए। अन्ना, कुछ प्लान सोचा है क्या? प्लान तो मैंने सोचा है, मेरे दिमाग में एक ही चल रहा है। एक बात बताओ, तुम लोग गाँव में कितने लोग है? लगभग 2-3 हज़ार ही होगा ना। लगता है शायद इतना ही होगा। बहुत बढ़िया, तब तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा चरस गंजा पीते हैं। तो सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, चरस गंजा कहाँ पे मिलते हैं उसका पता लगाना होगा। क्यों? क्योंकि आज से हम लोग चरस गंजा का बिजनेस करने वाले हैं। लेकिन शंकर, गांव में तो ऑलरेडी शिवा रेड्डी गंजा सप्लाई करता है। हाँ ना, तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग शिवा रेड्डी से 30% कम में देंगे माल। ऐसे तो हमें प्रॉफिट कम मिलेंगे। शुरू शुरू में हम लोग को थोड़ा प्रॉफिट कम ही मिलेगा। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? हाँ ना, तो फिर चलो। बॉस, आप मुंबई जा रहे हैं? टेंशन मत लीजिए, एंजॉय करिए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। बॉस कुछ दिन के लिए मुंबई जा रहे हैं, अभी धंधा हमें संभालना पड़ेगा। हमारे गंजे का धंधा डाउन हो गया है, पता लगाना होगा ये क्यों हो रहा है। बॉस को पता चल गया है तो हमें मर डरेगा। भैया एक महीना हो गया, हम लोगों का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मुनाफा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। कितना मुनाफा हुआ? हम लोगों का मेहनत से एक महीने में 2-3 लाख हो गया लगभग। हमें सबसे पहले मार्केट में एक नया गोडाउन लेना होगा और इतना तबाही मचाएंगे शिवा रेड्डी देखते रह जाएगा। हम बिजनेस को इतना बड़ा करेंगे कि पैसों की बारिश गिरा देंगे। अरे बाप, पैसों की बारिश गिरा रहे? अबे सालो, तुम लोग करते क्या हो? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही छोटा मोटा बिजनेस करते है। शरीर से गंजे का स्मेल आ रहा है और लोग कहते हैं कि छोटा मोटा बिजनेस करते है। मुझे मालूम है कौन कैसा धंधा करता है। सालो तुम लोग क्या बिजनेस करते हो मुझे मालूम है, संभाल के रहना। सालो को सच में पता चल गया है क्या? ये तो शिवा रेड्डी का आदमी है। हाँ भाई। अरे टेंशन मत लो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। कौन शिवा रेड्डी, क्या कर लेगा देख लेंगे हम। बॉस मुझे पता चल गया हमारे बिजनेस क्यों गिर रहा था। शंकर ने बिजनेस स्टार्ट किया, आप फिक्र मत कीजिए, उसे कैसे पकड़ना है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस मैं उसके लिए जाल बिछा रहा हूँ, आप मुंबई घूमिए। शिवा रेड्डी से पंगा लिया ना, उन लोगों को कैसे जामने फंसाना है मुझे मालूम है। हेलो शंकर, लोग तुम लोग पैकिंग करते रहो। हेलो शंकर है क्या? शंकर तो नहीं है, बोलो क्या काम है। अच्छा, हमें कुछ माल चाहिए था, अभी दे सकते हो क्या? अच्छा ठीक है, हमारा भाव इस एरिया में सबसे कम है, तुम पैसे रेडी रखना, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। पैसा रेडी है, तुम पुराने पेपर मिल के पीछे आ जाना।
हेलो, तुम लोग कहाँ पर हो? मैं लोकेशन पर आ गया, जल्दी आ जाओ, मुझे और भी डिलीवरी करना है। कौन हो तुम लोग? हम डिलीवरी लेने आए। तू साले शिवा रेड्डी का धंधा चौपट करने आया है? इस गांव में शिवा रेड्डी के अलावा कोई नहीं धंधा कर सकता। अबे ए, ये इलाका के शिवा रेड्डी का बाप का है रे? तो क्या तेरे बाप का है रे? अबे साले, मेरा धंधा चौपट करना चाहता है? साले तेरा बॉस को बुला। रुक, अभी बुलाता हूँ, तेरा बहन बजा देगा। हेलो शंकर, तू जल्दी आजा, शिवा रेड्डी मुझे पकड़ लिया। अबे ओए शिवा रेड्डी, शंकर आ रहा है, 5 मिनट में तेरा बहन बजा देगा। शिवा रेड्डी, तू किसको पकड़ के रखा है? अबे ओ शंकर, इस धंधे का किंग मैं हूँ, इस धंधा सिर्फ मेरी है, शिवा रेड्डी का। मेरे अलावा ये धंधा कोई नहीं कर सकता। जो भी इस धंधे में आएगा उसे मैं काट डालूंगा। बिजनेस करना है तो मर्द की तरह करना, डरता क्यों है साले? अबे साले, शिवा रेड्डी से बदतमीजी बात कर रही है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो आज से मेरे बिजनेस में टांग नहीं अड़ाना। शंकर, अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाद में तुझे देख लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे जितना रेट, इतने रेट में कोई नहीं दे सकता, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है। क्या यार, हमसे कम रेट में कौन दे रहे हैं माल? लगता है शिवा रेड्डी दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, शिवा रेड्डी इतना कम दाम में माल देगा, ऐसा मुझे यकीन नहीं होगा। हम जिस रेट में दे रहे हैं इससे कम देगा तो नुकसान होगा ना। शंकर, गोडाउन में माल बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, ऐसे रहेगा तो माल खराब हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, ऐसे तो हम लोग भिखारी हो जाएंगे यार। तुम लोग यही रुको, मैं गोडाउन चेक करके आता हूँ कितना स्टॉक पड़ा है। अरे यार, ये तो गोडाउन में जा रहा है। साला ये लोग किधर गया? हेलो, अच्छा तू है क्या शिवा रेड्डी? हाँ बोल। अच्छा सरप्राइज है, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तू मरने के लिए? कौन मरेगा कौन जिएगा ये तो वक्त ही बताएगा। एक बात बता, तू मुझे ना बुलाया क्यों? ये देख, तेरा खास दो आदमी मेरा पास, तेरे मार्केट गिराने वाला इन दोनों का हाथ है। अरे यार, तुझसे एक जरूरी बात करना था। हाँ बोल। कल शिवा रेड्डी ने कॉल किया था। क्या बोला? उसने ऑफर दे रहा है। क्या ऑफर? उसकी गैंग में शामिल होने को बोल रहा है, वो 3 गुना ज्यादा पैसा देगा। सच में? हाँ। तो फिर शंकर को क्या होगा? अरे यार, शंकर को गोली मार, वैसे भी शिवा रेड्डी उसको मारने वाला है। अगर इतना पैसा देता है तो सुन, सुन करते हैं। शंकर का जितना माल है कम रेट में शिवा रेड्डी को बेचना होगा। गोदाम का चिंता मत कर, मैं देख लूंगा।
शंकर शंकर शंकर, तेरे साथ बहुत बुरा किया उन लोगों ने। अबे मारतान, दोस्तों के दोस्त के साथ गद्दारी किया तूने। हमें आमिर बनना था। तेरे साथ रहता तो रोड पर आ जाता। अबे सालों तुम लोगों को इक्वल में शेयर मिलता था। अमीर बनने का ख्वाब है ना, ख्वाब तेरा ऊपर जाके पूरा होगा। अबे साले बकवास बंद कर, मार साले को। ए साले का काम खत्म, उसको फेंक दे।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।